ये बिल्कुल सरासर झूठ। एक तो होंगे ना झूठ, एक है सरासर झूठ। द मैटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तो लैके तो थले तक और थले तो लेके ऊपर तक मैं केस जड़ी है अपनी एनसेस्टर प्रॉपर्टी का जितया होया, और ये जड़ा केस है ये पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पर PWD डिपार्टमेंट हर कोर्ट चो हार है, और कोर्ट ने ही ये जमीन अक्वायर करवाई सी। मैनू अदालत पर भरोसा है, मैनू पहला भी अदालत ने इंसाफ दिता है, मैं इंसाफ देख रहा, इंसाफ मैनू मिलेगा, सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। कोई किसी नू एक रुपया नहीं दिंदा गा जब तक सही गल ना। खेड मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी ने दोहरे मुआवजे के मामले में अपनी सफाई दिती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के जरिए उन्होंने मुआवजा मिलया है, सरकार को लोगों को एक एक दफा पैसा नहीं मिलता तो तीन तीन बार कितों मिलेगा। इस तो अलावा उन्होंने कहा कि यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट च है, उन्होंने कोर्ट पर भरोसा है तो सारा सच सामने आ जाएगा। जिक्रयोग है कि इस डबल मुआवजे के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के सीनियर आगू सुनील जाखड़ ने पार्टी हाईकमान के नाल नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चिट्ठी लिखी सी अते राणा गुरमीत सोढ़ी नूं कैबिनेट तो हटाने लई कहा सी, जिस तों बाद हुण इस मुद्दे ते राणा गुरमीत सोढ़ी का बयान आया है जिस विच उन्हां कहा है कि सारा सच सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल सरासर झूठ। एक तो होंगे ना झूठ, एक है सरासर झूठ। द मैटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तो लैके तो थले तक और थले तो लेके ऊपर तक मैं केस जड़ी है अपनी एनसेस्टर प्रॉपर्टी का जितया होया, और ये जड़ा केस है ये पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पर PWD डिपार्टमेंट हर कोर्ट चो हार है, और कोर्ट ने ही ये जमीन अक्वायर करवाई सी, साड़ी जमीन पर सड़क बनी सी। इहदा मैं ज़्यादा लंबी गल इस करके नहीं करना चाहता, मेरे को बहुत तथ्य ने इस केस के बारे, बहुत सारिया सच्चाइया ने, क्योंकि केस सब जुड़े से सुप्रीम कोर्ट की हिंदुस्तान की सब तो वड्डी अदालत दे विच। मैनू अदालत पर भरोसा है, मैनू पहला भी अदालत ने इंसाफ दिता है, मैं इंसाफ देख रहा, इंसाफ मैनू मिलेगा, सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। कोई किसी नूं एक रुपया नहीं दिंदा गा जब तक सही गल ना होवे, ना सरकार दिंदी, और खास तौर पर सरकार कोलों पैसा एक दफ़ा नहीं लोगों नूं मिलदा गा, तो तीन तीन दफ़ा कितने मिलता है या दो दफ़ा कितने मिलता है। सो मैं इहदे च ज़्यादा ना जाता होया क्योंकि मैटर इज सबजैक्ट, कोई की कह रहा की नहीं कह रहा गा, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो कोर्ट च जिहड़ी चीज़ सबजुडे से उहदे बारे उहनां नूं गल नहीं करनी चाहिए, इंतज़ार करन और फिर देखन की हुंदा है। सो मैं इंतजार कर रहा, जो कोर्ट फैसला देगी वो मेरे सिर मत्थे। एक लास्ट क्वेश्चन, एक तुहाडे कज़न ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी कहा कि राणा सोढ़ी अपनी जमीन का तो मुआवजा ले गए। मैनू किसी कज़न के बारे कोई पता नहीं गा, मेरा जो मुआवजा मैनू थ्रू कोर्ट मिलया है, कोई भी मुआवजा जोड़ा है वो राणा सोढ़ी और या वो परिवार को थ्रू कोर्ट मिलया है, कोई किसी को जबरदस्त या डिपार्टमेंट तो नहीं मिलया। असी कोर्ट चो लड़ाई लड़के कोर्ट तथ सारे पेश किए ने, और हुण मैं कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होएगा वो मेरे सिर। फिरोजपुर तो अक्षय गल्होत्रा की रिपोर्ट। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी और काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे को है, मेरे किते नू कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तो हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।